हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन y, ठीक है। तो ये हमारा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और साइन y का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, cos y इंटू dy अपॉन dx, ये हो जाएगा, ठीक। तो 2 और 2 इज इक्वल टू, अब देखिए dy अपॉन dx वाले जो टर्म है उनको साथ में रख लेंगे, तो cos y dy अपॉन dx माइनस में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स dy अपॉन dx, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos y dy अपॉन dx माइनस 3 टाइम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा।